यहाँ पर मेरे को किसी ने पूछा था कि भैया आप सूट कैसे करते हो, आप सुबह उठते से क्या करते हो, फिर उसके साथ यानी यूट्यूब तो करते हो, उसके साथ जॉब कैसे करते हो, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं कितने बजे उठता हूँ, फिर उसके बाद करता क्या, एक्सरसाइज क्या करता हूँ जिसको आपको करना चाहिए, जिससे आपका माइंड बहुत ज़बरदस्त रहेगा और आप यूट्यूबर बनने की जर्नी में हमेशा अव्वल रहोगे। क्यों रहोगे? क्योंकि आपको काम करने की इच्छा होगी। अब बहुत से यूट्यूबर हैं जो काम करते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते, क्यों? इच्छा ही नहीं होती ना। तो इच्छा आने के लिए आपको यहाँ पर मेडिटेशन प्लस एक्सरसाइज करना होगा। मॉर्निंग में सबसे पहले मैं क्या खाता हूँ, मॉर्निंग में बहुत सस्ता प्रोटीन खाता हूँ और बहुत ज़बरदस्त प्रोटीन खाता हूँ। अब इसके बाद ये हो गया, मेरे पास एक छोटा सा पेट है, उसका नाम है बिल्ला शेर, तो शेर को दूध वगैरह पिलाऊंगा। अब देखो मेरे पास सवेरे 4 बजे से लेके तो सवेरे के 9:30 बजे तक मेरे पास टाइम नहीं। फिर उसके बाद मैं अपने काम पे जाता हूँ। अभी काय से जाता हूँ, साइकिल से जाता हूँ। साइकिल से 10 किलोमीटर दूर के आसपास है, यानी रामेश्वरी से स्वामीनारायण मंदिर, वो भी साइकिल से, किराए की साइकिल से। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये ब्लॉग को पूरा देखना है। ब्लॉग जैसा बनाया हो आपको यहाँ से बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है, नॉलेज मिलेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई स्ट्रगल करोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, और मिलता है। ये वीडियो से पता चल जाएगा कि भैया मैं क्या करता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, पूरा आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सिंपली लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्यारा सा वीडियो, और सपोर्ट जरूर करना इस वीडियो को और लाइक जरूर करना। मेरी दिन की शुरुआत देखो 4 बज रहे हैं, 4:23 हो चुके हैं, आज की 29 तारीख है। इसके बाद सेकंड काम क्या रहता है मेरा, सिंपली मुंह घसने का। मुंह घसने के बाद विक्स की भाप लेता हूँ, और विक्स की भाप लेना जरूरी है मेरे को। विक्स की भाप अगर नहीं लूंगा तो सर्दी खांसी रोज रहेगी, क्योंकि मैं काम ही वैसे कर रहा हूँ ना, फूल मीटे का काम कर रहा हूँ और मेरे को पहले से प्रॉब्लम है। तब भी आप मॉर्निंग में उठते हो, ठीक है, चाहे गर्मी रहे, ठंडी रहे, कुछ भी रहे, थोड़ा सा कुरकुरा पानी पीना चाहिए, 2 गिलास स्टार्टिंग में। सबसे पहले मुंह वगैरह धोने के बाद यहाँ पर ये गर्म पानी है, इसको मैं लूँगा और अभी पीऊँगा। और देखो ये विक्स है तो थोड़ा खा लेता हूँ और साथ में भाप ले लेता हूँ, जिससे मेरी जो कफ है और सर्दी है थोड़ी बढ़ जाती है यार। मैं ये करता हूँ, ये सबसे पहले रोज का रूटीन बन चुका है मेरा कि भाप लेने का विक्स की। तो यहाँ पर अभी विक्स की भाप हो चुकी है। अब हर यूट्यूबर को ये सब चीज करना चाहिए जो मैं करता हूँ, एक्सरसाइज और मेडिटेशन। अब ये क्या करता है, बहुत आसान है यार, सिंपल सा। आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं बताऊँ वैसे वैसे करना है, डेली करना है, ये डेली रूटीन में बना लो। सही बता रहा, सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता आपको। तो आपको ये करना है, जो भी मेडिटेशन, जो भी मैं एक्सरसाइज करूँगा वो आपको घर पे करना है। आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कैसे करना है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको बता दूं ये एक्सरसाइज से होता क्या है। सिंपली आपका जो भी आपके बॉडी पार्ट दर्द देते हैं, बहुत कुछ दर्द देते हैं, और सेकंड सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये एक्सरसाइज से होता क्या है, आपके जो 6-pack ऐप है, पहले मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया जैसे कि भैया 6-pack मेरे कैसे बने, यही एक्सरसाइज मैं करता हूँ। ये जितनी भी एक्सरसाइज बता रहा हूँ ये पूरी की पूरी करना है। अब जो भी एक्सरसाइज है, जितने भी आपको दिख रहे, देखो जैसे मैं एक हाथ का कर रहा हूँ तो एक हाथ का ही नहीं करना, दोनों हाथ के करने, दोनों पैर के करने। तो ये कैसे करना है, सिंपली 10-10 बार काउंट करना है, 10 बार एक हाथ का करो, 10 बार एक हाथ का करो, ये एक्सरसाइज बहुत काम में आती है। अब उसके बाद सेकंड चीज, जैसी ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज से पूरे बॉडी पार्ट, जैसे आप घर में बैठे रहते हो, अब बैठे बैठे का बहुत सारे जन का काम रहता है, तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हाथ पर बहुत दर्द देते हैं और हलाली भी बहुत भयानक आती है। तो आपको क्या करना है, ये जितनी भी एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो पूरी 10-10 बार करना है। यहाँ पर ये एक्सरसाइज में आपको बॉडी, हाथ, पैर, कमर, शोल्डर, ये सभी चीज़ की एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, ये आपको डेली करना है। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैक्सिमम 10 से 12 सेकंड में ये हो जाएगा एक्सरसाइज। अब इसके बाद देखो एक्सरसाइज में मैंने एक चीज़ जोड़ा हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, जैसे मेंटली डिस्टर्ब हो, किसी चीज़ से डिस्टर्ब हो, जैसे नशा हो गया, दारू हो गया, तो ये सब चीज़ों के लिए भी मैंने ये एक्सरसाइज बनाया। ये मैंने पहले से बहुत पहले से सीख के रखा था। सिंपली आपको क्या करना है, अब इसके बाद जैसे ही आप एक्सरसाइज ख़त्म करते हो, और इसके साथ ये जो एक्सरसाइज जितनी भी है, यहाँ पर आपका जो इच्छा है, जैसे आपको काम करने की इच्छा नहीं होती, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज से आपको काम करने की इच्छा जाएगी। और साथ ही यहाँ पर 20 मिनट का मेडिटेशन है जो आपको सामने में मिलेगा। देखो ये मेडिटेशन में 20 मिनट का पूरा बना नहीं सकता, तो आपको सिंपली ये वीडियो में लिंक में नीचे में एक फिट तक के चैनल है, मैं उसका जो मेडिटेशन सीखा हूँ पूरा आराम से कर लेता हूँ। सिंपली मोबाइल लगा देता हूँ, आग बंद करके पूरा मेडिटेशन कर लेता हूँ। ये मेडिटेशन का जो सेक्शन है अलग वीडियो में बताऊँगा, सिंपली ये वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो एक्सरसाइज है जो आपको अभी दिख रही है, ठीक है, पहले सांस अंदर लेना है, जिसमें सांस अंदर ले लो, ये हाथ
सामने पैर के पास ले जा रहा है, फिर उसके बाद सांस छोड़ रहा हूँ, यानी गहरी सांस लेना और गहरी सांस छोड़ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो एक्सरसाइज है यहाँ तक का आपको करना है, ये वाली एक्सरसाइज, सांस अंदर सांस बाहर से होगा क्या, आपका जो माइंड है सही जगह रहेगा। तो अभी मेरे पूरी यानी एक्सरसाइज हो गए, आपको बताता हूँ 5:30 बज रहे हैं, ठीक है, 5:35 हो गए और थोड़ा 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 दिन निकला, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिन निकल गया है। अभी 20 मिनट का योगा रहेगा, फिर उसके बाद नहाऊंगा। अब योगा अगर आपको सीखना है तो मैं आपको एक वीडियो का लिंक दूंगा, मेरे पास एक ही मोबाइल है, आपको तो पता है। तो आपको क्या करना है, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, उनका योगा चेकआउट मारना है और डेफिनेटली 100% करना है। अब 20 मिनट का मेरा योगा रहेगा, वो 20 मिनट में मेरा मन को पूरा शांति मिल जाएगी और मैं योगा डेली करता हूँ, ठीक है। अभी टोटल 6 बज रहे हैं, अभी मैं क्या करता हूँ 6 बजे, और देखो जैसे ही आपको नींद आ रही है, जैसे 4 बजे उठ गए, 4 बजे उठ गए नींद आ रही, तो क्या करें, तो सबसे मेन चीज़ करना है जो आपको करना ही है, देखो फटाफट कर लेना है, क्या है, सिंपली आपको ठंडे पानी से नहा लेना है। अभी मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा, बाथरूम उधर है, मैं नहाता हूँ, फाइनली ठंडे पानी से नहाऊंगा। अब नहाने के बाद क्या करता, कपड़े बदलता। तो ये होता है योगा, यानी योगा करने का नतीजा, और आपको दिख रहे हैं 6-pack abs, ये सिर्फ यही करने से, जो एक्सरसाइज करता हूँ। अब ये कपड़े चेंज कर रहा हूँ, अब मैंने बोला कि भाई पूजा करता, अब देखा तो साला अगरबत्ती नहीं थी, तो मैंने बोला अगरबत्ती नहीं है तो क्या हुआ, हाथ पैर तो जोड़ सकता, जोड़ लिया। देखो एक्सरसाइज करने के बाद यानी थोड़ा ना थोड़ा कुछ प्रोटीन खाना चाहिए। अब प्रोटीन में क्या खाता हूँ, देखो सिंपल से चने भिगा के रखने का और जवस ले लेने का, आपको दिखाता हूँ ना क्या खाता हूँ क्या। तो एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ पर है चने, ये जवस और ये पानी, और आपका अगर बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, 20 रुपये का मुरमुरा रोज खाना, थोड़ा थोड़ा मुरमुरा मेरा ख़त्म हो गया, नहीं तो मैं खाया रहता, तो सिंपली ये चना है, ये है, और इससे बहुत भयानक प्रोटीन मिलता है यार, सिंपली सस्ता है और सस्ते में मस्त है, ज़बरदस्त। तो ये खाया करो रोज एक्सरसाइज के बाद, मैं यही खाता हूँ डेली। ये मेरा बिल्ला है, जब तक इसको यानी दूध नहीं मिलेगा तब तक मेरे पीछे ही घूमते रहेगा। अब पापा दूध लेके आएगा, ये देखो पापा दूध लेके आएगा तो इसको दूध दूंगा, जब तक इसको दूध नहीं मिलेगा सवेरे से तब तक का मेरे साथ ही रहेगा। अभी इसका दूध का टाइम हो जाएगा, अभी पापा दूध लेके आएगा, तब तक मैं ये फिनिश करता हूँ चने वगैरह, और मैं भी थोड़ा सा दूध पी लेता हूँ, और मेरे बिल्ले को भी दूध पिलाता हूँ। से जिसको पसते नहीं है चने तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो खाना, पड़ जाएगा। सेर। अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना के बताता हूँ कैसी बनाता हूँ मैं वीडियो। तो ये फ्रंट वाले कैमरे से शूट कर रहा हूँ, ठीक है, अब ये कैमरा लग गया, अरे कुर्सी को थोड़ी एडजस्ट कर देता हूँ यार, थोड़ा सा पीड़ा लग रहा है। अब तुमको मेरी आँख ऐसी क्यों दिख रही है पता है क्या, अब मैं इसका रीज़न बताता हूँ। जब भी मैं धूल मिट्टी का काम करता हूँ तो मेरी आँख ऐसी हो जाती है, यानी इतनेस चालू हो जाती है, यानी मेरा आपने काम देखे नहीं हो ना, अभी आगे चल के देख लूँगा, इसी ब्लॉग में देखोगे कि भैया मैं काम क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को किसी ने पूछा था कि भैया आप शूट कैसे करते हो, आप सुबह उठते से क्या करते हो, सुबह उठते से क्या करते हो, फिर उसके साथ यानी यूट्यूब तो करते हो उसके साथ जॉब कैसे करते हो। तो यहाँ पर मेरी शूटिंग हो गई, ठीक है, अब शूटिंग हो गई, शूटिंग होने के बाद मैं ये इसको निकाल लेता हूँ। अब निकालने के बाद ये ट्राईपॉड है, ठीक है, और ये चेयर है, अब जहाँ पर रखी थी वहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, ये दोनों को। फिर उसके बाद बिल्ले के लिए दूध गर्म करता हूँ और बिल्ले को दूध पिलाता हूँ, और ये मेरे शेर के लिए, अब इस शेर को देता हूँ दूध, आ जा ले शेर, यहीं पर बैठा था। तो मॉर्निंग के अभी 7:30 बजे, अब मेरा पूरा काम निपट गया, ठीक है, योगा फोगा सब कुछ कर लिया, और साथ में दूध वगैरह जो भी खाना पीना रहता सब कुछ कर लिया, नहा भी लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब बाकी है मेरे को वीडियो एडिट करना, अब 9 बजे तक वीडियो एडिट करूँगा, और मैं वीडियो कौन से टॉपिक में एडिट कर रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो के व्यू अचानक से रुक क्यों जाते हैं ना, 1000 व्यू आते हैं तो अचानक से रुक क्यों जाते हैं, तो ये वीडियो वाला एडिट कर रहा हूँ, शूट करके रख चुका था, अभी एडिटिंग बाकी है,
9:30 बजे तक हो जाएंगी पूरी कंप्लीट एडिट। तो अभी मेरा वीडियो शूट हो गया, सब कुछ शूट हो गया, ठीक है। अभी मेरे को काम पे निकलना है। काम पे निकलने से पहले मेरे को डब्बा पैक करना पड़ेगा, ठीक है। डब्बा पैक करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ, मैं साइकिल से जाता हूँ कुकड़ी ले आउट, मंजरी नगर की जो टंकी है वहां से स्वामीनारायण मंदिर ओनली फॉर साइकिल से जाता हूँ। फिर साइकिल से आता हूँ यार, बहुत थक जाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कौन सी साइकिल है, मेरे पास खुद की भी साइकिल नहीं है, वो किराए की साइकिल निकालो, मैं आपको बताता हूँ वो साइकिल का नाम। तो ये है बंडू साइकिल स्टोर, न्यू बाबुलखेड़ा, धोबी मोहल्ला, नागपुर, ठीक है। ये किराए की साइकिल है, इसमें मैं जाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं डब्बा पैक करता हूँ यार, डब्बा मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं बना, रोटी बनाया पापा ने और साथ ही टमाटर की चटनी। बेसिकली मैं मॉर्निंग में बनाता हूँ लेकिन अभी नहीं बना। तो ये मेरा डब्बा पैक हो गया। अब डब्बा पैक होने के बाद सिंपली क्या करता हूँ, अपने थैली में डालता हूँ यार वो साइकिल है, साइकिल के ऊपर रख लेता हूँ और मेरी पोशाक देखता हूँ, यानी काम करने के कपड़े। काम करने के कपड़े मेरे पास ये है दो, एक थैली में, यानी ये दो चीज़ लगती है मेरे को, यानी काम करता हूँ यानी मजदूरी टाइप, तो ये दो चीज़ लगती है, ठीक है। मैं निकल रहा हूँ मेरे काम के लिए। मैं आपको रास्ते बताऊँगा यार, रास्ते में क्या क्या मिलेगा आपको, बहुत सी चीज़ है। यहाँ से स्वामीनारायण मंदिर जाना बहुत दूर है यार, थक जाता हूँ, तो भी मैं जाऊँगा, डेली जाता हूँ, इस बार भी जाऊँगा, तो आपको बताऊँगा कैसे स्ट्रगल रहता है और आपको लाइफ में करना भी चाहिए। तो मैं निकला और सबसे पहला स्टॉप आएगा हमारा वंजारी नगर का टंगी, ठीक है, वंजारी नगर का टंगी। फिर इसके बाद जाऊँगा किधर, छोटा ताजबाग। अब देखो वंजारी नगर का टंगी आप जानते होंगे, नागपुर का वंजारी नगर का, यहाँ पर पेट्रोल पम्प है वगैरह, यानी यहाँ पर दो दो पेट्रोल पम्प है। अगर आपका पेट्रोल खत्म होता है तो यहाँ पर वंजारी नगर की टंकी पूछ लेना, यहाँ पर पेट्रोल भी मिल जाएगा आपको। आपको बैक साइड से दिखाता हूँ, यहाँ से पूरा रास्ता चेंज हुआ और ये पेट्रोल पम्प, अगर पेट्रोल खत्म हुआ तो यहाँ से भरा लेना। मेरे को यहाँ से पूरा सीधा जाना है और मेरी साइकिल है, ठीक है यार, बहुत दूर जाना पड़ेगा लेकिन यहाँ से मैं निकल लूँगा, यहाँ से सीधा सीधा जाना पड़ेगा और जब तक ये रास्ता ख़त्म नहीं होता तब तक का मेरी मंजिल भी ख़त्म नहीं होगी। YouTube के साथ मैं अपना काम भी कर रहा हूँ जिससे घर पे दिक्कत भी नहीं आएंगी। देखो YouTube तो करते हो लेकिन पैसा नहीं मिलता, पैसा आता नहीं, तो उससे बढ़िया क्या करना है आपको, कभी भी YouTube के साथ काम करो। देखो मॉर्निंग में तो मैंने वीडियो बना लिया, शूट कर लिया, योगा वगैरह सब कुछ कर लिया, लेकिन यहाँ पर आपको काम भी ज़रूरी है करना, अदरवाइज नहीं करोगे तो बहुत गंदा हो जाएगा। और पिछले दिन मुझे देख भी रहे कि भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब, यो थैंक यू। तो मेरे को पीछे से देख रहे हैं और एक बंदा मिला लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। और यहाँ पर सामने में और एक पेट्रोल पंप है जो मैं आपको बताऊंगा। ये साइकिल से जर्नी है, मैं साइकिल से कर रहा हूँ, जो बहुत बढ़िया बात है यार। चलो अभी आगे दिखाता हूँ, पेट्रोल पंप दिखा देता हूँ, सेकंड पेट्रोल। तो वंजारी नगर के टंकी के सामने में और एक सेकंड पेट्रोल पंप है यहाँ पर आजू बाजू में छह, ठीक है। यहाँ पर भी पेट्रोल भरा लेना, जम के भरा लेना। और यहाँ से आएगा सामने में टुकड़े जी पुतला, ठीक है। टुकड़े जी पुतला मेरा पहला स्टॉप रहेगा, बड़ा वाला रहेगा, ठीक है। और जैसे कोई क्राइम वगैरह होता है तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन है पेट्रोल पंप के जस्ट में बाजू में, अजनी पुलिस थाने, यहाँ पर आप रिपोर्ट डाल सकते हो। अगर कोई चोरी वगैरह, आपका मोबाइल, किसी एक तरह का फ्रॉड हुआ तो नागपुर में ये बाजू में पुलिस स्टेशन है। हॉस्पिटल ये है सुपर हॉस्पिटल, ठीक है। यहाँ पर सिटी स्कैन वगैरह, यहाँ पर यानी मेडिकल से ट्रांसफ़र करते हैं पेशेंट को यहाँ पर। तो ये सुपर हॉस्पिटल है, अगर आपका इलाज वगैरह नहीं होता होगा तो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमारे नागपुर में ये है, मेडिकल का स्क्वायर बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा, ये भी बन रहा है ये सामने में, ये भी बन रहा है। अब यहाँ से ऊपर में देखूँगा सामने में टुकड़े जी स्क्वायर है, जी स्क्वायर पता नहीं कैसी बना, मेरे को नहीं पता इसकी हिस्ट्री, लेकिन टुकड़े जी स्क्वायर बताता हूँ आपको। टुकड़े जी पुतला है, टुकड़े जी महाराज है, उनका पुतला लगा है यहाँ पर, और यही चौक है मेन टुकड़े जी स्क्वायर शक्करदरा जाने के लिए। अब देखो यहाँ से मैं जाऊँगा टुकड़े जी स्क्वायर से, अगर आप सीधा जाते हो तो छोटा ताजबाग आता है वहाँ पर। देखो कभी भी जाना तो छोटा ताजबाग, मन की शांति के लिए जाना, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि मेरा लाइफ में डिस्टर्ब हो गया, तो मैं सीधा ताजबाग। टुकड़े जी स्क्वायर, ये टुकड़े जी पुतला है पूरा, यहाँ से तो ये दिखता है इसके। और अभी मेरे को रोड क्रॉस करना है लेकिन मैं साइकिल है, यहाँ पर अभी कोई सिग्नल नहीं लगा है, ठीक है। ये सीसीटीवी कैमरा यानी बहुत एडवांस हो चुका है यार। तो चलो ये स्क्वायर हो गया, टुकड़े जी स्क्वायर पार कर लिया, अभी मेरे को जाना है कहाँ, छोटा ताजबाग। तो छोटा ताजबाग मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार वहाँ पर जाना। छोटा ताजबाग का जो रोड है वो आ चुका है, मैं छोटा ताजबाग ऐसी झलक दिखाऊंगा कैसा दिखता है। और यहाँ से अगर आप सीधा गए तो आपको बड़ा ताजबाग मिलेगा, छोटा ताजबाग भी है और बड़ा ताजबाग भी है। और यहाँ पर मेरे पापा ने एक टाइप की मन्नत भी मांगी थी,
जिसको मैं पैदा हो इसलिए मन्नत मांगी था और मेरे को आना भी अच्छा लगता है। फाइनली गाइस मैं तिरंगा चौक में पहुंच चुका हूँ और यहाँ पर नाश्ता बहुत ज़्यादा फेमस है यार, बहुत ज़बरदस्त, यानी 15-20 रुपए में आपका पूरा पेट भर जाएगा। तिरंगा चौक का नाश्ता बाजार, ये पंकज उपहार केंद्र, ये नाश्ता है, ठीक है। यहाँ पर आप नाश्ता कर सकते हो, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें यार नाश्ता करने के लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया। और यहाँ पर बहुत से शोरूम है, यहाँ के बहुत से ब्लॉग बने हैं, नागपुर के लोगों ने ही बनाया ब्लॉग। और ये पता नहीं भीड़ काहे के लिए, इंडियन मटन शॉप, यानी पोला था कल छोटा बोला था, आज लगता मटन खाने वाले लोग, इसलिए इतनी भीड़ है और ज़बरदस्त भीड़ है यार। तो फाइनली गाइस मैंने तिरंगा चौक पार किया हूँ, ठीक है। तिरंगा चौक से अभी सीधा सीधा जाऊँगा, सीधा सीधा जाने के बाद मेरे को KDK कॉलेज के पास मैं मिलूँगा, अभी डायरेक्ट KDK कॉलेज दिखाऊँगा, वहाँ पर मैं पढ़ा हूँ। और KDK कॉलेज बहुत बड़ा है यार, तुमको ऐसा लगता होगा छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है। वहाँ से लेके मैं सीधा मेरा स्वामीनारायण मंदिर चले जाऊँगा। अभी देखो साइकिल से रन कर रहा हूँ, थक जाता हूँ, यानी कम से कम अप्रोक्सीमेट कितना किलोमीटर होगा, 8 या 9 किलोमीटर होगा शायद से। तो मैं चलता हूँ अभी KDK कॉलेज के पास, डायरेक्ट मिलता हूँ। चाहता था तो यानी मेन रोड पकड़ सकता था, बट मैंने ये वाला रोड पकड़ा हूँ क्योंकि शांत रहता है। यहाँ पर व्लॉगिंग भी कर सकता हूँ मैं मोबाइल से, यानी अच्छी क्लियर कट आवाज़ आ सकती है। और ये ट्यूशन क्लासेस है NIT जी, यानी ये इंजीनियरिंग डॉक्टर उनके लिए ट्यूशन क्लास अवेलेबल है, यानी 12, 11, 12 वगैरह। ये वाला मैं रोड इसलिए पकड़ा हूँ क्योंकि यहाँ पर बोलने में आसानी होंगी और यहाँ पर ज़्यादा कोई देख भी नहीं सकता। और मेरे को देखो थोड़ा हेजिटेट हो रहा है कि भाई मैं व्लॉग बना रहा हूँ, साइकिल से हुई है, देखो साइकिल से हूँ तो भी मेरे को ऐसा लग रहा है लोग क्या सोचेंगे, मेरे को उनसे लेना देना नहीं। मेरा काम क्या है, व्लॉग बनाना, और मैं व्लॉग बनाऊँगा। तो KDK कॉलेज के बाद डायरेक्ट मिलता हूँ, कहाँ पर है ये अभी सीधा चल के आपको पता चल जाएगा। साइकिल से हूँ, चलते हैं हमारी डिप्टी की। जाता कि आपको डायरेक्ट KDK कॉलेज दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक ही विमेंस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स है, ठीक है। ये एक कॉलेज है, 11-12 तक है, ज़्यादा नहीं। और इसके सामने में और एक कॉलेज है जहाँ पर मैंने पेपर दिया हूँ, JL प्रियदर्शनी चतुर्द्वेदी, आई डोंट नो, बट मैं आपको कॉलेज दिखा देता हूँ, मेरे को पता चल जाएगा, मैं भूल गया हूँ क्योंकि वहाँ पर मैं पेपर देने आया हूँ मेरा इंजीनियरिंग का। तो सामने में आपको दिख रहा है ऐसा गार्डन टाइप, वही कॉलेज, बहुत बड़ा कॉलेज है यार, अंदर से अगर आप देखोगे बहुत बड़ा है। जब मैं यहाँ पर पेपर देने आया था तो मेरा तबीयत ख़राब हो गया था और मैं कैलसी भूल गया था, कैलकुलेटर जो रहता, हाँ, JL कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग प्रियदर्शनी, हाँ प्रियदर्शनी से मेरा नाम बहुत जुड़ा है, प्रियदर्शनी JL कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये और एक कॉलेज था। अभी डायरेक्ट KDK में, एक्चुअली गाइस मैं KDK कॉलेज के पास पहुँच चुका हूँ जहाँ पर मैं पढ़ा हूँ लिखा हूँ, और आधे से ही छोड़ दिया यार कॉलेज। ये है यानी पॉलीटेक्निकल कॉलेज है, और यहाँ से अगर तुम सीधा देखोगे तो KDK कॉलेज है, मैं दिखा देता हूँ। तो ये KDK कॉलेज है, मैंने यहाँ पर पढ़ा हूँ इंजीनियरिंग, आधे से क्विट किया, PhD सब कुछ है यहाँ पर। ये अंदर से जाऊँगे तो अंदर में बहुत बड़ा कॉलेज है अंदर पे, और ये जूता दिख रहा है आपको, ये स्कूल जैसा। तो ये पूरा क्लासरूम है, और सबसे नीचे में मैंने क्लासरूम थी मेरा सेकेंड ईयर का, मैंने वहाँ पर यानी स्टडी किया हूँ KDK कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। और यहाँ से मैं जितना दिखा रहा हूँ ये इतना KDK कॉलेज है। और मैं आपको कैंटीन भी दिखाता हूँ, कैंटीन कितनी बड़ी थी, कैंटीन भी दिखाता हूँ यार। और वहाँ पर हम लोग गेम्स वगैरह खेलते थे। ये है कैंटीन, सामने में है कैंटीन, अच्छे से धुंधली दिखाई दे रही होंगी, बट ये सामने में कैंटीन है, ठीक है, ये कैंटीन है। और यहाँ तक का KDK कॉलेज है पूरा अंदर से, और यहाँ से लगता है एक मार्केट। अब यहाँ पर और एक मार्केट है, यहाँ से थोक में सब्जियाँ लेके जाते हैं, मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ। यहाँ पर करेला भिंडी सब कुछ है यहाँ पर, ये यानी मार्केट है। और आज तो मार्केट बहुत ज़्यादा ही चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि कल था पोला और आज बनाएंगे मटन चिकन, तो मार्केट बहुत भरा है। अगर यहाँ से सीधा जाऊँगा तो आपको लंबा मार्केट मिलेगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ से टर्न मार लूँ और टर्न मारने के बाद डायरेक्ट वाठोरा चौक में मिलूँ। तो ये मार्केट है इस टाइप से, आप आना एक दिन, मैं किसी दिन घाई में नहीं रहूँगा, साइकिल में नहीं रहूँगा, तो पैदल पैदल आपको यहाँ का मार्केट घुमाऊँगा, बहुत बड़ा मार्केट है यार। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ वाठोरा चौक, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ये बैक साइड का एरिया है जहाँ से मैं आया हूँ, ठीक है। यहाँ से नागपुर की अगर सीधा जाऊँगा, देखो ये रॉयल क्लिफ, यहाँ से अगर सीधा जाऊँगा नागपुर की सबसे बड़ी कचड़ा मंडी मिलेगी, और वहाँ पर है मेरा स्वामीनारायण मंदिर, ठीक है, जस्ट उसके सामने मेरा काम चालू है। चलो पैदल पैदल बताता हूँ। तो ये बैक साइड में वाठोड़ा चौक, सामने में अगर जाऊँगे तो स्वामीनारायण मंदिर, और उसका समय भी बताऊँगा यार, सवेरे मॉर्निंग में कितने बजे खुलता है, शाम को कितने बजे खुलता है। देखो मॉर्निंग में 8:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा स्वामीनारायण मंदिर, अगर आप आते हो वहाँ पर, और फिर उसके बाद
डायरेक्ट खुलता है 3 बजे, 3 बजे से लेके तो रात के 8:30 बजे के आसपास रहता है। ऐसा मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो आप मुझे बताओ, वहाँ पर मैं पढ़ के ही बता दूंगा कि हाँ भाई स्वामीनारायण मंदिर इतने से इतना खुला रहता है, ये बैक साइड में इतना है। और स्वामीनारायण मंदिर चलो दिखाता हूँ मैं अच्छे से, यानी वही सीधा ही साइड है ना मेरा, वही सीधा, तो वहाँ से डायरेक्ट दिखाता हूँ स्वामीनारायण मंदिर कैसा है। और देखो अंदर तो अभी जाना नहीं होगा, लेकिन बाहर से दिखा दूंगा कि भाई स्वामीनारायण मंदिर कैसा दिखता है। और एज अ तिरुपति बालाजी पकड़ लो, तिरुपति बालाजी में आप गए होंगे तो आपको पता होगा तिरुपति बालाजी कैसा है, सेम दैट वहाँ पर वो मंदिर बना है। और बहुत बड़ा मंदिर है, ऐसा नहीं कि वो छोटा सा है, बहुत बड़ा मंदिर है, अगर मैं नापने बैठा तो बहुत बड़ा है, यानी एक फुटबॉल ग्राउंड इतना बड़ा है, नहीं क्रिकेट ग्राउंड इतना बहुत बड़ा है। तो गाइस ये है स्वामीनारायण मंदिर, मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊंगा, बहुत बड़ा मंदिर है यार, यहाँ से दिख नहीं रहा हूँ अच्छे से, अंदर जाऊँगा तो दिखाऊंगा, लेकिन मैं अपने साइड से जूम आउट करके दिखाऊंगा कि भैया साइड, और साइड ये इसके पीछे है पेट्रोल पंप के पीछे स्वामीनारायण मंदिर। ठीक है, अंदर से अगर देखोगे तो अंदर पे है स्वामीनारायण मंदिर। और ये मंदिर खुलती है कब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लिखा है पूरा समय लिखा है, ठीक है, मंदिर दर्शन का समय 8 से 12 और शाम के 4 बजे, यानी 12 से 4 बजे तक बंद रहेगा और 4 बजे से 8 बजे तक चालू रहेगा। मैं आपको बताता हूँ मेरी साइड, और साइड बताने के बाद आपको बताऊँगा वहाँ पर काम क्या करता हूँ और वहाँ पर कितना घंटा काम करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है मेरे को वाटरप्रूफ के नाम पे, क्या क्या नहीं करना पड़ता है। इतने दूर से जब साइकिल चला के आता तो यार थक जाता हूँ, बहुत थक जाता हूँ। जब मेरा रामेश्वरी से हमारा स्वामीनारायण मंदिर इतने दूर आया, और ये है मेरी पूरी साइड, और मेरे को ऐसा लग रहा पूरी साइड बंद है यार। अबे यार यहाँ पर साइड पे थाला लगा है, अब मेरा क्या होगा, अब उतने दूर से आया हूँ मैं पैदल, अब मेरे ठेकेदार को फ़ोन लगाता हूँ, भाई ताला लगा है यार साइड पे। अबे यार मैंने डब्बा लाया, सामान लाया, सब कुछ लाया और इतने दूर आया और यहाँ पर ताला लगा है, ताला नहीं लगा है मेरे हिसाब से, तो ये साइड है मेरे को ऐसा लग रहा है ताला लगा है। देखो आपको भी दिख रहा है इतनी बड़ी साइड है, मैं देखता हूँ अंदर जाके ताला सही में मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि लगा हुआ है ताला, तो पहले देखता हूँ चेकआउट करता हूँ, अरे ताला तो नहीं लगा है, खुल जाता वो खुल गया, यानी पूरे साइड में मैं हूँ। और यहाँ पर सीमेंट की बोरी आ चुकी है यार, वो परसों के दिन हमारे पास, परसों नहीं नरसों के दिन हमारे पास सीमेंट नहीं थी तो हमारा काम रुका था, ये सीमेंट की बोरी आ चुकी है। ये हमारा रूम, यहाँ पर कोई चीज नहीं है, सिर्फ मैच हूँ, ये पूरे साइड में गमीले फावड़े भी ऐसे पड़े हैं। अभी मैं देखता हूँ, पहले मेरे ठेकेदार को फ़ोन लगाता हूँ, भाई कैसा, नहीं तो मैं अकेले काम करूँ क्या, ऐसे बोलता हूँ उसको। तो फाइनली मैंने ये सब सामान ले लिया और लॉक लगा दिया, अब खोल लिया, अब मैं डायरेक्ट जाके कपड़े चेंज करता हूँ, काम के कपड़े पहनता हूँ, चलो घर से पहन के आया था ना, काम के कपड़े पहनता हूँ। मेरा एक सेपरेट रूम बना के रखा हूँ यहाँ पर, यानी हम सब का एक सेपरेट रूम है, यहाँ पर हम लोग अपने कपड़े रखते हैं, डब्बा रखते हैं, सब कुछ रखते हैं। और दूसरी बात, और देखो यहाँ से मैं निकला था कितना, अपना मेरे घर से निकला था 9 बजे निकला था, 9 बजे ठीक है, 9:10 को निकला था, यानी 45-40 तो 50 मिनट लग गया मेरे को यहाँ तक आने के लिए अच्छे तरीके से पैदल पैदल। और ये मेरा रूम है इस तरह से, यहाँ पर ये पलंग वगैरह बैठे हैं, यही पे हम लोग खाना वाना खाते हैं, अब मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ। तो फाइनली गाइस 2 लेबर भेज दिया है, यानी मुंटू ने और साथ में और ये भाई लोगों ने, कल आए थे इन लोग, मैं तो छुट्टी में था, और मेरे को सामान है कुछ, क्या बोले तो बता देना मेरे को भी, अभी मैं भी काम पे लगूंगा। देखो मैंने कपड़े पहन लिया अभी है, ये ऐसे कपड़े में काम करता हूँ, और ये भाई साहब क्या किए उस दिन, वो बोल रहे थे फोटो खींच के। तो देखो मेरा काम कुछ इस टाइप से रहता है, मैं करते रहता हूँ यार, क्योंकि काम के साथ यूट्यूब करना तो ज़रूरी है। और ये फर्स्ट फ्लोर है, और ये जीना कुछ अलग ही नहीं लग रहा, देखो यहाँ से पूरा फटा है, यानी आधा है आधा नहीं है। ये वाले बालकनी का किए थे क्या, क्या किए थे, ये तो हमने किए थे, ये वाला किए थे, ये वाला किए थे, ये बाकी था, ये बाकी था, ये पूरा कर दिया यहाँ तक का मैंने किया था, यहाँ तक करे था आपने, यहाँ से मैंने पूरा निपटा है, उधर का निपटा है आधा, उतना निकलने का था, छेनी नहीं की तो ये भी है, ठीक है ये पूरा क्लियर है, ये इसमें थोड़ा थोड़ा चिपिंग है और ठीक है, कौन सी देखो ये थोड़ा थोड़ा चिपिंग है,
इसको साफ कर लेंगे, अभी छोड़ देते इसको, ये हो गया समझ लो। अभी दूसरा और कुछ देखते हैं, दूसरा बताओ तुमको कौन सा बोला था। साला यहाँ पर गिरने का डर लगता है, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ये वाले बाल का नहीं बोली कैसे, ये भी बताना। अच्छा ये एक और दो, ये वाला वाला तो हो चुका है। अरे ये तो बहुत ज़्यादा ही है, अपन क्या करते हैं सुनो, वो सूखा सूखा है उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसको निपटाते हैं अपन। हाँ पहले उनको निपटाते फिर उनके बाद इसमें आते हैं। इसमें सबसे पहले ये पूरा सामान निकालेंगे, ये पूरा क्लीन करेंगे, उसके बाद इसकी पूरी चिपिंग निकालेंगे। वाटरप्रूफ का काम है ठीक है, इसकी और इसकी पूरी चिपिंग निकालेंगे। बहुत सारा मसाला रहता है इसके नीचे, तो ये काम करता हूँ मैं और मेरे को दिन भर करना पड़ता है 6 बजे तक, फिर मेरी छुट्टी हो जाती। अब मैं यहाँ से मैं आपको सबसे पहले स्वामीनारायण मंदिर दिखाता हूँ जूम आउट करके। और भाई अपने को ये पूरा निकाल के फेंकना है, इसको निकाल देते फेंक देते फिर एक एक जगह भिड़े। मैंने जूम करके बताऊँ स्वामीनारायण मंदिर, वो पीछे में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है उतने दूर तक फैला हुआ है, बहुत बड़ा है यार। और मैं जूम आउट करके बता रहा हूँ, जूम आउट में फट रहा है उसका कैमरा, मेरा कैमरा बहुत गंदा है यार। ये स्वामीनारायण मंदिर है, मेरे साइड से ऐसे दिखता है, और ये साइड है, और ये पेट्रोल पंप है, और इसके पीछे घर है, और ये मेरी साइड है। काम कैसे रहता है मेरा, ये देखो यहाँ पर पूरा मसाला जमा है ठीक है, ये पूरा मसाला ऐसे निकालना पड़ता है टाचे से जब तक पूरी जमीन नहीं आती। आपको बताता ये है, अब ये पूरी जमीन है, यहाँ पूरा कॉन्क्रीट है, यहाँ पर होनी पूरी वाटर प्रूफ। तो काम मेरा ऐसे रहता है दिन भर, धूल मिट्टी का काम, मेहनत लगती है यार इसमें, लोडिंग वगैरह भी रहता है। ये इस टाइप से और बर्फ से साफ करते जाओ। हाँ ये हो गया अपना कंक्रीट दिखने लगा, यहाँ पर लगेंगे केमिकल। ऐसी काम करना पड़ता है सिंपली, ये जो स्लैब दिख रहा है देखो, इतना मैंने पूरा कचरा निकाला हूँ, ये इसको फोड़ना पड़ता है ठीक है। ये एक्स्ट्रा का मसाला है, इतना हो गया और इतना सारा कचरा निकलता है, यानी इतने से इसमें इतना सारा निकलता है। ये भैया यहाँ पर बैठे हैं और ये भैया उधर से निकाल रहे हैं, यानी पूरा जितना भी है ये पूरा क्लीन करना है, क्लीन करके देना है, और यहाँ पर लगेंगे पूरा केमिकल। कहाँ के हो भैया? जा भाई चिन्नार जन्नार देव, तो वहाँ से अभी यहाँ पर यानी नागपुर में काम करना है। करने की और तुम भी, और तुम्हारे साथ कितने लोग आना है? हम 8 हैं। और खाना पीना सब ठेकेदार के तरफ से, और यानी रोज क्या बना लेते हो? जैसी कुछ भी बना लेते जो मिल रहा है, आलू भटा जो भी है। हाँ, और सुबह यानी 3 टाइम खाना खाते हो? हाँ, सुबह दोपहर को और शाम को। शाम को तुम ही खाना बनाते कि और भी है लड़के? हम ही लोग बनाते, हम ही लोग बनाते। और कितने? 8 लड़के आए। 8 है। और ये जो जैसे ये जो काम कर रहे हैं, इसके अलावा इस पहले वहाँ पर क्या काम करते थे? बहुत सा काम करते हैं, हमारी भी कर लेते, कुछ भी कर लेते, ये काम कॉन्क्रीट सब करते हैं। अच्छा, और भैया तुम भी वही काम करते? हाँ। तो यहाँ पर नागपुर में अच्छा लग रहा है कि वहाँ पर अच्छा लगता था? यानी अच्छा लग रहा है कि भैया हाँ घर की याद नहीं आ रही, मस्त मस्त मजे में काम कर रहे हो। तो ऐसी रहता है दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता होगा मजदूरी करना बहुत यानी आसान काम है, लेकिन बहुत आसान नहीं है, घर को छोड़ के यहाँ पर रहना पड़ता है। ऐसे जमा होता है कचरा, और कचरा जमा में होने के बाद पूरा फेंकना पड़ता है ठीक है। कचरा जमा हो जाएगा तुम इसको खींच लेना, मैं इसको खींच लिया, अब इतना ही जब कर लेता हूँ, इतना करो, मैं इतना कर लेता हूँ, धनातन धनातन फिर मस्त खाना खाते हैं। तो फाइनली गाइस देखो, अभी मैं पेट्रोल पंप से पानी भर लिया, ये भैया अभी अपने रूम पे जा रहे हैं, तुम भी जा रहे हो ना रूम पे खाना खाने, और मैं भी जा रहा हूँ खाना खाने। अब मैं आपको खाना डब्बा, चलो भैया आप मिलता हूँ, मैं आपको डब्बा उब्बा खोल के बताऊँगा कि भैया हाँ कि मैंने आज क्या लाया हूँ और क्या खाऊँगा। ये मेरे पास पानी है ठीक है, अभी 2 बजे का टाइम हो चुका है, अभी खाना खाने की छुट्टी हुई है, और ये मेरे पास रोटी है, मैंने 4 रोटी लाया हूँ, ये खाता हूँ। भूख भी बहुत जम के लगी यार, मेहनत करो तो खाने में भी मज़ा आता है, तो अभी मैं खाता हूँ आज। नहीं तो बहुत सारे लोगन रहते हैं खाना खाने के वक्त, मेरे दोस्त लोगन, लेकिन उन लोग आए नहीं आज, आज मैं अकेले ही खा रहा हूँ, उन लोग आते तो उनके साथ खाता था। तो इस तरीके से मेहनत यानी मजदूर लोगन ऐसे बैठ के मस्त खाना खाते हैं, मजदूर लोगन की लाइफ ये रहती है, खाना खाते हैं, 2 बजे की छुट्टी हुई मस्त, मज़ा आ गया खा के, क्योंकि मेहनत ज़्यादा हो जाती है ना, मेरा कुछ ऐसा सिस्टम रहता है मजदूरों का। देखो मैं कोई भी काम करने के लिए शर्मता नहीं, लोग कुछ भी सोचे, पैसे कमा रहा हूँ, मेरे घर के लिए कमा रहा हूँ, मेरे फैमिली के लिए कमा रहा हूँ। तो भाई साहब मैंने खाना खा लिया ठीक है,
खाना खा लिया, अभी एक घंटे की छुट्टी है, अभी ज़्यादा नहीं 2:50 हो रहे हैं। अब मैंने बोला क्या करूँ, उससे पहले मैं चाय पीता हूँ। देखो खाना खा लिया, अभी काम पे बैठना 3:00, अभी मैं चाय पीऊँगा, 5 रुपये की चाय पीता हूँ सामने में चौक में, ठीक है, वहाँ पर चाय पीता हूँ। और चाय पीने के बाद फिर से मेरे काम पे लगता हूँ। वो जो दो लेबर है वो उनका रूम वहीं पे है, उन लोग गए हैं वहाँ पर खाना खाने। खाना खाने के बाद उन लोग आ ही जाएंगे, तो हम तीनों एक साथ करेंगे और गाला पूरा कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद डायरेक्ट छुट्टी होगी, कितनी, 6:00 तक हमारी छुट्टी होगी। 6:00 हम लोग इस साइड से निकलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, घर। और मैं आपको घर पहुँच के बताऊँगा घर पहुँच के करता क्या हूँ। अब घर पहुँच के तुमको क्या लगता होगा, मैं आराम करता हूँ या कुछ और करता हूँ? नहीं, मैं साथ में यहाँ पर क्या करूँगा, खाना चढ़ा दूँगा, नहाऊँगा, फिर उसके बाद सुनो खाने के साथ अभी फिर मैं शाम को और वीडियो अपलोड करूँगा, एडिट करूँगा, कौन सा टॉपिक करना है सर्च वो करूँगा। अभी चाय का दुकान आ चुका है सामने में, तो फाइनली चाय की दुकान में पहुँच चुका हूँ। देखो स्वामीनारायण मंदिर का जो मंदिर है, ठीक है, उसके अपोजिट में एक चाय की दुकान है, यहाँ पर आना चाय पीना। और ऐसा नहीं कि भैया कि यहाँ से तुम जाओगे बहुत कौन से दूर जाना पड़ेगा चाय के लिए, चाय खर्रा पानी सब कुछ यहाँ पर सब कुछ मिल जाता। और पेटीएम गूगल पे जो भी है, अभी मैंने 50 रुपये पेटीएम किया था, कुछ पैसे जमा है, तो 2:00 चाय पीने है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। ऐसा मत सोचना कि पेटीएम है तो नहीं चलेगा, चल जाएगा। और ये भैया की दुकान में आया हूँ, सवेरे भी पिया था चाय और अभी भी पी रहा हूँ। भैया एक चाय देना। तो ये चाय कितने की, 5 रुपये की, और मेरे घर के पास 10 रुपये 7 रुपये 10 रुपये 7 रुपये 5 रुपये में मिल जाती चाय। टेंशन मत लेने की जरूरत नहीं कि भैया 7 रुपये की चाय होंगी, 6 रुपये की चाय होंगी, 5 रुपये की चाय मिल गई मेरे को ये पूरा कप भर, जिससे मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी। और मेरे घर के पास तो 7 या 10 रुपये की मिलेगी ना। चाय पीता हूँ, फिर चाय पीने के बाद आगे ब्लॉग बढ़ाता हूँ यार। तो भाई साहब चाय वाय पीने के बाद अभी 3:00 हम लोग फिर से काम पर लग गए, ठीक है। अभी कितने, अपन 6:00 तक काम कर गए ना, फिर उसके बाद अपनी पूरी छुट्टी, तो 6:00 तक काम करना है, फिर यहाँ से साइकिल से जाना है। तो फाइनली गाइस 6:00 चुके हैं, अभी ये नल चालू करके हाथ मुंह धोते हैं। हाथ मुंह धोने के बाद क्या, मैं साइकिल निकालूंगा और यहाँ से निकलूंगा। तुम लोग कहाँ से आओ? छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा से, ठीक है। तुमको रोजी कितनी मिलती? 250 रुपये 250 रुपये यहाँ पर रहना और खाना, रहना और खाना, ठीक है। अभी हमारी छुट्टी हो चुकी है, हमारी साइड थी, ठीक है, रहना और खाना यानी 250 रुपये। और यानी घर पे कितना भेजते हो? घर पूरा जाता है ना पेमेंट, बस खर्चा भर लगता है। तुम यानी महीने का कितना खर्चा लग जाता होगा? महीने का वही 800-1000 रुपये इनका खर्चा लगता। और सोचो 250 रुपये पूरा दिन भर काम किया हम लोग ने, यानी 10:00 से लेके 6:00 तक, अभी 6:00 रहे, 250 रुपये में क्या क्या नहीं आता। लोग ऐसी दारू सिगरेट ये पिज्जा ना बर्गर ना ये उसमें इसमें उड़ा दे। और तुम्हारा नाम बताओ पहले। तनु। और तुम्हारा? चंचलेश। चंचलेश और तनु भाई, आज इनके साथ काम करके मेरे को बहुत यानी अच्छा लगा कि हाँ भाई ये भी बहुत मेहनती है यार, जैसा मैं काम करता हूँ वैसा ये लोग काम करते हैं। मुंटू भाई एक नंबर काम करते हैं यार ये लोग, सच बता रहा हूँ। अब ये वीडियो आएगा, लेकिन उससे पहले देखो इनको छोड़ता हूँ, अभी मैं डायरेक्ट घर पर मिलूँगा। फिर से वही नहीं दिखाऊँगा जहाँ से मैं आया कहाँ से मैं आया वो सब नहीं दिखाऊँगा, डायरेक्ट मैं घर पर चलूँगा। उसके बाद खाना उना रखूँगा, फिर खाना रूना रखने के बाद मस्त नहा धो लूँगा, नहा धो लेंगे, फिर एडिटिंग वगैरह ये जो भी मेरा वीडियो है फिर वो एडिट करूँगा। तो अभी डायरेक्ट घर पे मिलता हूँ। निकल गया हूँ घर के तरफ, स्वामीनारायण मंदिर पीछे है, अब वही नहीं दिखा सकता बार बार। अब डायरेक्ट मेरे घर पर मिलूँगा कि हाँ भाई घर पर क्या करता हूँ। तो फाइनली गाइस मैंने नहा लिया हूँ, ठीक है। अभी यहाँ तक के तुमने मेरा ब्लॉग देखे उसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद, दिल से शुक्रिया यार। देखो मेरी जैसी कंडीशन है वैसे ही कंडीशन बहुत सारे लोगों की होंगी, और सिंपली आपको सपोर्ट करना है, सपोर्ट करो, वीडियो देखो मेरे, वीडियो देख के बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा और मैं को ऐसे कैपेबल बनाऊं कि मैं भी किसी की हेल्प कर सकूं। अब मैं जिस कंडीशन में हूँ, मेरे को अगर मेरे को भगवान उस लेवल का बनाएगा तो मैं सच बता रहा हूँ मैं हर किसी को हेल्प करूँगा। और मेरे को यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद। अभी खाना बनाना है, वीडियो एडिटिंग करना है, वीडियो एडिटिंग के बबाद क्या होगा सिंपली सो जाऊंगा रात के 9:00। और अभी बज रहे हैं 6:40 या 50 हो रहे हैं, और मैं सिंपली अभी खाना बनाता हूँ। अभी खाना बनाना दिखाऊंगा किसी और दिन, अभी बहुत थक गया हूँ यार, बहुत ज़्यादा। सुबह से उठा हो 4:00 से, काम पे गया, योगा वोगा किया, सब कुछ किया, खाना उना सब कुछ। तो यहाँ पर मेरा ब्लॉग एंड होता है। यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद।
तो मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, ऐसे ही ब्लॉग मिलते रहेंगे।